एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हिमंसिका। और आज है नवरात्र का पहला दिन, तो मैंने सोचा चलो व्लॉगिंग कर लेती हूँ। और मायरा आवाज़ दे रही है, मैंने उसे सुला के आया था बट वो उठ गई है। तो नवरात्र का पहला दिन है तो घर पे पूजा हो गई है, पापा जी ने कर लिया है, तो अभी मैं भी पूजा करूँगी। और फिर आज मैं व्लॉगिंग इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि नवरात्र का पहला दिन है, और साथ ही आज कहीं हम लोग जाने वाले हैं, कुछ फंक्शन है वहाँ पे, तो तैयार होंगे अच्छे से, तो इसलिए मैंने सोचा व्लॉगिंग कर लेती हूँ। और जितना कुछ हो पाएगा इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए। सबसे पहले मैं लगाती हूँ आलता पैर में, क्योंकि बहुत दिनों से आलता नहीं लगाया है और नवरात्र है तो इसलिए मैं आलता लगाऊँगी फिर। और नायरा से मैं मिला देती हूँ। नायरू, एक सेकेंड लाइट ऑन कर दे रही हूँ। नाइशू, नायरू है। ओ अरे तो बढ़िया, यस। तो मैं जाती हूँ और सबसे पहले कर लेती हूँ पूजा। तो पूजा करने से पहले मैं यहाँ पे आलता लगा रही हूँ क्योंकि पूजा करने वाली हूँ और नवरात्र भी स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए मैंने सोचा आलता लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आलता। तो जनरली मैं आलता को एक बाउल पे ले लेती हूँ और उसके बाद स्टिक से लगाती हूँ, बट आज हुआ क्या कि मेरे पास जो आलता था वो बहुत ही अच्छा वाला था, बट मुझे पता नहीं था उस पर ऑलरेडी आलता पे ही एक स्टिक लगा हुआ था, तो उससे डायरेक्टली मैं अप्लाई कर सकती थी, तो ये बाद में मुझे पता चला, तो फिर मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया। और मैं आगे आपको बताऊँगी कि ये आलता का क्या नाम है, और ये आलता बहुत ही अच्छा है, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया, तो आगे आपको बताऊँगी कि ये कौन सा आलता है। उत्सव तरल ब्रश आलता, तो ये ब्रश आलता बहुत ही अच्छा है, तो मुझे ये अभी पता चला, बाकी मैं स्टिक से लगा रही थी, अभी इससे लगाया मैंने, बहुत ही अच्छा आलता है। तो आप भी अगर हाथ गंदा नहीं करना चाहते हो तो आप ये वाला आलता खरीद सकते हो। फिर उसके बाद मैंने किया पूजा, और हमारे घर पे पापा जी ने नवरात्र का फास्ट रखा हुआ है, तो वो सबसे पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर जिसको जैसा टाइम मिलता है वो हम लोग पूजा करते हैं। तो अब मैं पूजा करूँगी यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे मैंने फेस पैक लगाया हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इवनिंग में कहीं जाना है हमें, तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और आपको यहाँ पे कुछ कुछ फ़ोटोज़ मैं डाल दे रही हूँ कि हम लोग कहाँ गए थे और क्या था, कुछ फंक्शन था हमारे यहाँ पे, शगुन फंक्शन, तो उसी की इमेजेस मैं डाल दूँगी। और डिटेल में उसके बारे में अभी मैं नहीं बता रही हूँ, बट कुछ मेरी फैमिली फ़ोटोज़ है वो मैं आप यहाँ पर इंक्लूड कर दे रही हूँ, तो आप देख लो। ब्लॉग है उसका एंडिंग में शूट नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा चलो आज शूट कर लेती हूँ। तो वो जो नवरात्र का फर्स्ट डे था, जो फर्स्ट डे था उसके बाद इवनिंग में मैं गई थी, कहीं फंक्शन था हमारे यहाँ पे, शगुन फंक्शन था, तो वहीं पे गए हुए थे, तो मैंने व्यूज़ नहीं लिया ज़्यादा क्योंकि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स थे,
तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, तो इसलिए मैं नहीं डाली उसका वीडियोज़। हाँ, बट जो मैंने और मेरी फैमिली ने फ़ोटोज़ लिया है वो मैं डाल दूँगी, ताकि आप लोग मेरी फैमिली को देख लो। बट किसका शगुन फंक्शन था ये मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और नवरात्रि की और भी जो वीडियोज़ है वो आपको आगे देखने को मिलेगी। और नायरा भी टमी टाइम ले रही है इसलिए ऐसा साउंड आना। बाबू दिखाओ, ओ शू सेज टमी टाइम। तो नायरा का अभी टमी टाइम चल रहा है, नाइट हो गई है। तो अभी नवरात्र का और भी व्लॉग्स आपको देखने को मिलेगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।